सियासी अखाड़े का कहीं ना कहीं गवाह बनता हुआ नजर आ रहा है। हर बार उत्तर प्रदेश में सभी दलों के बीच जो है सबसे ज्यादा वर्चस्व और सियासी जंग देखी गई है, और इस बार भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता की जिसने नब्ज पकड़ ली उसका सीधा रास्ता नई दिल्ली की तरफ जाता है, यानी कि यूपी से होकर सरकार बनती है दिल्ली में किसी भी दल की। और ऐसे में सभी दलों का फोकस इस वक्त उत्तर प्रदेश पर है। सपा बसपा ने तो लगभग अपनी स्थिति साफ कर दी है, बीजेपी की स्थिति अभी साफ नहीं है, बाकी क्षेत्रीय दल भी कहीं ना कहीं पशुपेश की स्थिति में है। शिवपाल सिंह यादव हों या राधा भैया हों, देखना होगा इनका इस बार क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। वहीं जिस तरह से अखिलेश और मुलायम सिंह के बीच जो अभी उठा पटक का दौर चल रहा है वो भी देखना दिलचस्प है। गेस्ट हाउस कांड के बाद लगभग 25 सालों बाद मायावती का साथ लेकर अखिलेश यादव बीजेपी से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं, देखना होगा ये साथ कितना मुकम्मल होता है। तो वहीं बात अगर अखिलेश यादव की कर रहे हैं तो इस बार वो मेनपुरी, माफी चाहूंगी मैं, कन्नौज सीट छोड़कर वो आजमगढ़ की तरफ रुख करने वाले हैं। और जी हाँ, इस बार की तस्वीर उसी वक्त साफ हो गई थी जब दोनों ने बकायदा यानी कि सपा बसपा ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद एक खबर आई थी कि मायावती पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिम्मा संभालेंगी, तो वहीं अखिलेश यादव को पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी गई। और ऐसे में यादव बेल्ट से हटकर अब आजमगढ़ से ताल ठोक सकते हैं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और मुलायम सिंह यादव 2014 में यहाँ से सांसद चुने गए थे, और ऐसे में इस बार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकती हैं, यानी कि SPN9 न्यूज की ये खबर कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है कि कन्नौज से इस बार अखिलेश यादव ताल नहीं ठोकेंगे बल्कि वो आजमगढ़ की तरफ रुख करेंगे। हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था कि आजमगढ़ की तरफ रुख कर सकते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अगर कन्नौज का भी सियासी इतिहास देखा जाए सपा से, तो मुलायम सिंह की वो सीट थी और धीरे धीरे वो अखिलेश से होते हुए डिंपल तक पहुंची है। तो ऐसे में आजमगढ़ से अगर ताल ठोकते हैं अखिलेश यादव तो क्या इस बार उनको सफलता हाथ लगेगी। और जिस तरह से वहाँ पर सियासी समीकरण देखने को मिलता है और क्षेत्रीय दल अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जिस तरह से वहाँ पर कहीं ना कहीं दबदबा उसका देखा जाता है, तो ऐसे में अखिलेश यादव का जीतना कितना आसान है वहाँ से। और आजमगढ़ का सियासी इतिहास भी आपको बता दूं जरा, क्योंकि आजमगढ़ में अगर मैं देखूं तो 1957 से लेकर 1971 तक वहाँ पे कांग्रेस ने राज किया है, 1996 SP, 1998 BSP, 1999 SP, 2004 से लेकर 2008 BSP, 2009 BJP और 2014 SP, यानी कि SP BSP का ही जो यहाँ पे है जो मेलजोल देखने को मिला है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि अखिलेश यादव के पक्ष में ही सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे, लेकिन बीजेपी को भी कम आंकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी भी अगर अपने यहाँ पे गणित बिठा ले जाती है, अनुप्रिया पटेल से भी कहीं ना कहीं उनसे मतभेद चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर अनुप्रिया पटेल मान जाती हैं सीटों को लेकर तो बहुत मुश्किलात में अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव जीत पाएंगे अगर लड़ते हैं चुनाव, ऐसे में मुलायम सिंह की सलाह उनके लिए कारगर साबित होगी। मायावती का साथ कितना मिल पाएगा आजमगढ़ सीट पर और क्या मिलेगा कार्यकर्ताओं का साथ, कुल मिलाकर इन सभी सवालों को जवाब देंगे एडिटोरियल हेड एडविन मंस सर, साहब का बहुत स्वागत है। अखिलेश यादव अब कन्नौज से सीधे रुख करेंगे आजमगढ़ की तरफ, हमने एक प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, आपसे कहा था मैंने कि हो सकता है अगर कन्नौज की सीट छोड़ते हैं तो आजमगढ़ की तरफ रुख कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो SPN9 न्यूज की खबर का असर है कि वाकई खबर पुख्ता तौर पर अब सामने आ रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश यादव आजमगढ़ से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आजमगढ़ से जीत सकते हैं अखिलेश यादव? देखिए बिल्कुल, जिस समय जिसमें मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ गए तो लगा ये कि क्या मोदी लहर में वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पारंपरिक सीट छोड़कर वो मैनपुरी की सीट छोड़कर आजमगढ़ पहुंचे थे, लेकिन हाँ जीते, लेकिन जीत का अंतर जरा आप देखिए 63,000 वोटों के आसपास से वो चुनाव जीते हैं। तो ये साबित कर रहा है कि इस खत के नेता को अगर इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है तो क्या अब अखिलेश अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो ये फैसला उनका ठीक है, क्योंकि अपना दल अगर सामने निकल कर आता है, कांग्रेस अगर सामने निकल कर आती है, तो क्या अखिलेश के लिए मुश्किलें पैदा नहीं होंगी? तो मुस्लिम वोट बैंक की तरह से अपना मानते हैं, या यूँ कहें कि इनको ये होता है कि भाई ये वोट बैंक कम से कम हमारा है और ये अगर हमारे पक्ष में आता है तो जीत हमारी पक्की है, लेकिन अगर कांग्रेस से सहमति नहीं बनी या कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वहां पर उतारा तो कांग्रेस भी सेंधमारी कर सकती है इन वोटों में। साथ में अगर अपना दल की बात करें लगातार कि बीजेपी से उनके संबंध बेहतर नहीं है, और अगर संबंध बेहतर रहे, अगर उनका प्रत्याशी यहाँ से मैदान में उतरा, तो अखिलेश के लिए ये राह उतनी आसान नहीं रह जाएगी, भले ही पूर्वांचल में जाकर वो एक सिरे से यूपी की कमान को संभालना चाहते हैं, दूसरे सिरे से मायावती सहारनपुर से बात चले लड़ने के चुनाव, तो ये नहीं कि दोनों लोग दो दिशाओं पर खड़े होकर पूरी तरह से प्रदेश को अपने कब्जे में, यूं कहें कि प्रदेश पर अपनी राजनीति पकड़ मजबूत करना चाहते हों, लेकिन फिलहाल अगर शुरुआती आंकड़े दें गायत्री जी तो उतना आसान नजर आ नहीं रहा।
जी आ नहीं रहा है। और ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में कहा जा रहा है, मुलायम सिंह भी इस बार 2014 में उनको 63,204 वोटों से जीत मिली थी और उनके खिलाफ खड़े थे बीजेपी के रमाकांत यादव, यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। लेकिन हाँ, इसमें सकारात्मक ये देख सकते कि मोदी लहर में भी फिलहाल कन्नौज की सीट डिम्पल और वहीं आलमगढ़ की सीट मुलायम बचा ले गए। लेकिन मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के कद में बहुत अंतर है। जाहिर सी बात है, सपा संरक्षक है, वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने पिता से जो सत्ता की जो जिस तरह से उन्होंने एक चाबी ले ली है उनसे, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो भी कहीं ना कहीं खटक रहा होगा लोगों के दिमाग में। और शिपाल की अलग पार्टी, क्योंकि अभी हाल ही में बनारस के चंदौली में रैली करते हुए नजर आए, फिर उन्हें सीधे रुक गया शिपाल ने बलिया की तरफ, उनका भी सीधा फोकस पूर्वांचल पे ही है। तो ऐसे में शिवपाल भी बड़ी आफत बन सकते हैं अखिलेश के लिए। देखिए, सिर्फ शिवपाल नहीं, राजा भैया की आप मत भूलिए, राजा भैया है ही, तो ये चार पांच दल जो लगातार आपके ऊपर वार करेंगे। और देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जब आप महागठबंधन की बात करते हैं, एक मंच से खड़े होते हैं, एक मंच से खड़े होकर मोदी जी के खिलाफ बातें करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी उतारने की बात आती है तो आप गठबंधन नहीं लेकर आते हैं, चाहे बिहार की बात करें या यूपी की बात करें। तो आखिर ये किस तरह की राजनीति हो रही है? अगर आपको ये लगता है कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कमजोर कर रही हैं आपको एक तरीके से, क्योंकि अभी तक पुख्ता तौर पर यह कहा नहीं गया है कि कांग्रेस ने, हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा अगर नहीं है तो गुलाम नबी आजाद निकल का सामना है कि नहीं, हम तो साहब 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसके क्या मायने? अगर इसके मायने ये हैं तो इसका मतलब आप आपस में वोट काटने की जो एक तरीके से कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या सबक सिखा पाएगा मोदी सरकार, और क्या उनके खिलाफ आपको खड़ा कर पाएगा आपस में? अगर आप इस तरह का बंदर बांट करेंगे तो फायदा तो सीधे से बीजेपी के उसमें होता हुआ नजर आ रहा है। रही बात अखिलेश यादव की, तो बिल्कुल एक कद के नेता हैं, उनकी युवा में खासी पहचान भी है, युवा उनको पसंद भी करते हैं, उनके काम को कई बार रखते भी हैं सामने कि भाई मैंने मेट्रो यूपी में लेकर आया, लखनऊ में मैंने जो है रोड सड़क अच्छी बनवाई, एक्सप्रेस वे की बात करते हैं वो, तो बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन जब आप जमीनी स्तर पर जाते हो और पहली बार चुनाव वहां से लड़ने की बात करते हो तो आप लोगों के बीच जाना पड़ता है, लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है, लोगों को अपनी पॉलिसीज के बारे में बताना पड़ता है। लेकिन हाँ, क्या आपकी पॉलिसी में उतना दम है? क्या आपने जो विजन आपने क्रिएट किया, क्या वो विजन लोगों तक जा सकता है? ये सब चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात गायत्री जी, हम लगातार बात भी कर रहे हैं और बात करना जरूरी भी है कि अगर कांग्रेस आपके साथ नहीं तो आपके खिलाफ खड़ी है, अगर खिलाफ है तो आप उसके साथ में मन साझा कैसे कर रहे हैं? तो ये लगातार आप बीजेपी को कहीं ना कहीं मौका दे रहे हैं बात करने का, और ये बता रहे हैं कि हमारी आपकी जो गुटबाजी अंदरूनी है वो बहुत ज्यादा है, अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है, इस नाते हम अलग अलग सीटों पर जो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं लगातार एक दूसरे के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमजोर कर। लेकिन आजमगढ़ सीट पे देखा जाए तो एसपी बीएसपी का ही ज्यादा दबदबा हमें देखने को मिला, बीजेपी भी नदारद ही रही है कम से कम यहाँ पे देखा जाए तो, कांग्रेस भी एक ही दो बार आई है, यानी कि बीएसपी का साथ तो पहले से अखिलेश ने ले लिया है, तो ऐसे में अखिलेश के लिए मुकाबला तो ज्यादा कांटे का टक्कर का नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल, अखिलेश पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, उनके पिताजी मुलायम सिंह चुनाव लड़े हैं और जीते हैं वहां से। लेकिन आप ये जरा देखिए कि क्या मुलायम सिंह जो वहां की जो आम जनता है, वहां के जो लोग हैं, उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं क्या? क्योंकि अभी सिर्फ आप मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, उन जनता की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें उनको वो, बिल्कुल मैं वही मैं आना चाह रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहती है, हम गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन की बात करके सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सारे वोट आपके पक्ष में आ जाएंगे। ये आपने कैसे मान लिया? अगर मान लीजिए वहां पे 50% वोट जो है एसपी और बीएसपी खाते का है, तो क्या आप ये मानेंगे 25% दोनों का एक ही जगह पड़ने वाला है? उसमें बहुत सारे लोग निर्दलीय भी खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने दल की आप लगातार बात कर रहे हैं वो अगर आते हैं वहां से निकलकर, तो उनके लिए भी है। प्लस कांग्रेस की बात आप कर सकते हैं, शिवपाल की पार्टी उसकी बात कर सकते हैं, राजा भैया की बात कर सकते हैं, तो ये हां बिल्कुल 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 नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। हां, ये जरूर है कि अखिलेश यादव एक बड़ा नाम है, प्रदेश के मुखिया रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी अध्यक्ष हैं सपा के, तो इस नाते दबदबा थोड़ा सा ज्यादा उनका स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन हां, ये राह मैं फिर कहूंगा उतनी आसान नहीं है, आसान नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से मायावती से उन्होंने गठबंधन किया है, और जो कि जिस पे मुलायम सिंह अभी खामोश हैं, और गेस्ट हाउस का सबको पता है करता धरता कौन था, और ऐसे में जिस तरह सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं मायावती के लिए अखिलेश यादव, जो शारदा सिंह ने बयान दिया था बीजेपी के विधायक ने, तो उसके लिए सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, तो ऐसे में क्या लगता है मुलायम सिंह अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे आजमगढ़ से? क्योंकि 2017 में किया नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर मुलायम सिंह यादव बाहर निकलकर नहीं आते तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अप्रत्यक्ष हार हो जाएगी सपा के लिए, क्योंकि अगर आज भी देखें तो लोग अखिलेश से ज्यादा मुलायम सिंह यादव को जानते हैं सपा में, अगर बतौर अगर सपा के चेहरे की बात करें आप, और वो मुलायम सिंह यादव हैं, और 30-40 साल की राजनीति करियर उनका देखेंगे, लगातार लोगों से संबंध है उनके, मुलायम सिंह आज भी जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लोग पसंद करते हैं, उनके चहेते हैं, उनका मुल्ला मुलायम सिंह जैसे किताबों से भी नवाजा जाता, तो उनकी किस तरह की पैठ है इससे कोई अनजान नहीं है। ऐसे में अगर वो सपा
के लिए प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो एक जो है घाटे का सौदा साबित हो सकता है सपा के लिए, उनको लाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ है, क्या मुलायम सिंह यादव उससे खुश हैं? क्या मुलायम सिंह यादव इस गठबंधन के बाद प्रचार प्रसार करने जाएंगे? ये कई सारे सवाल हैं इसको लेकर। या फिर चुनिंदा सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे ना, पे सपा के उम्मीदवार खड़े हो। हाँ, वही कह रहा हूँ कि आप सपा के लिए वोट मांगेंगे या सपा बसपा गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे, तो ये एक अलग चीज हो जाएगी। लेकिन हाँ, शुरुआत अगर हम लोग अखिलेश यादव से कर रहे थे तो मसला वही है गायत्री जी, कि हम भले ही जमीन बेहतर मान रहे हों कि पिताजी ने वहां पर जमीन तैयार की है बेटे अखिलेश के लिए, क्योंकि अगर हम जाकर इतिहास देखें तो जब जिस तरह बंपर सीटें बीजेपी सपा ने जीती थी, उसके बाद लगा कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बनेंगे, लेकिन सडनली नाम अखिलेश यादव का जाता है, इससे तमाम लोग नेता नाराज हो जाते हैं, शिवपाल नाराज हो जाते हैं, आजम खान नाराज हो जाते हैं। तो ये साबित कर रहा है कि पिता अपने बेटे के लिए जमीन तैयार कर रहा है, लेकिन उस जमीन का कितने बेहतर तरीके उपजा सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। पिता की जमीन पे क्यों जा रहे हैं? अब फिर वही बात है कि जैसे राहुल गांधी अमेठी से हट नहीं रहे हैं, तो वैसे अखिलेश यादव भी, अब कन्नौज का जिक्र करिए, मुलायम के नाम थी, फिर वहाँ पे अखिलेश या फिर डिम्पल के नाम हो गई। वही मैं अगर बात करूँ वहाँ पे तेज प्रताप यादव जो कि उनके भतीजे हैं, जो पोते कहे जाते हैं, वो भी चुनाव मैनपुरी से सांसद हैं, देखिए अब मुलायम सिंह वहाँ से ताल ठोकेंगे, वो भी जमीन तैयार कर दी, आजमगढ़ से जमीन तैयार कर दी अखिलेश के लिए। तो अखिलेश कब तक जमीन पर चुनाव लड़ते हैं, अपनी क्यों नहीं जमीन बना देते? वही बात हो रही गायत्री जी की, जब आपके नाम पर लोग आए, आपके नाम पर लोग वोट दें, तब आप सोचिए। अब आप देखिए अखिलेश यादव जो है सीएम थे प्रदेश के, उसके बाद जब इलेक्शन होता तो कितनी सीटें उनको मिली, लोकसभा चुनाव में क्या हासिल हुआ पार्टी का? तो आपकी जमीन उतनी मजबूत नहीं जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये सिर्फ सपा बसपा गठबंधन बना लेना है, मतलब जीत दर्ज करना नहीं है, आपको जमीन पर रहकर काम भी करना पड़ेगा। क्या वो अखिलेश यादव कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो हमें बीजेपी को भी कम नहीं आंकना, बीजेपी का भी सियासी गणित पूर्वांचल में बहुत जबरदस्त है। 80 में से 28 सीटें पूर्वांचल से आती है, योगी आदित्यनाथ भले बीजेपी ने भले गोरखपुर की सीट गवा दी हो, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि बीजेपी को कम आंकना आंकना चाहिए, क्योंकि अभी उसके पत्ते नहीं खुले हैं। और ऐसे में हो सकता है अनुप्रिया पटेल जो वहाँ पे जबरदस्त है, तो ऐसे में उनके वो भी कहेंगे कि भारी पड़ सकती है अखिलेश यादव। ओम प्रकाश राजभर का नाम भी आप मत भूलिए, और अनुप्रिया पटेल का नाम आप मत भूलिए, शिवपाल का नाम आप मत भूलिए, राजा भैया का नाम आप मत भूलिए, साथ में जो निर्दलीय कुछ लोग उनका नाम आप मत भूलिए। ये कहने का मतलब है गायत्री जी की राह उतनी आसान नहीं है, पूर्वांचल उतना आसान नहीं है किसी भी दल के लिए। देखिए फिर वही बात हो रही है, जब आप एक मंच पर खड़े होकर बात करते हैं कि हम एक हैं, हम बीजेपी को हरा के मानेंगे, हम बीजेपी की जो तूती बोल रही है उसको हम बंद कर देंगे, लेकिन वो सब कहां है? जब आप सीटों की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस भी आपके खिलाफ नजर आ रही है, तो फिर कहां बचा सब गठबंधन? लेकिन सर अगर आजमगढ़ से अखिलेश मान लीजिए एक सेकंड के लिए अगर चुनाव हारते हैं, तो ऐसे में समझ में आता है कि मुलायम की सीट का कहीं ना कहीं उन्होंने जो है बिल्कुल धराशायी कर दिया, मुलायम के नाम पर वोट पड़ सकते, लेकिन अखिलेश के नाम पर वोट। देखिए किसी के नाम पर आप एक समय तक चीजें कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको अपनी जमीन बनानी पड़ेगी। अगर वो नहीं बना पा रहा, नहीं हो पा रहा, इसका मतलब फिर आपको सीरियसली चीजों पर सोचने की जरूरत है। टीवी डिबेट शो में बैठना एक बात है, लोगों की नब्ज पकड़ना दूसरी बात है। अगर वो नब्ज आपके हाथ नहीं आ रही, इसका मतलब आपको सोचने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देना भर कि पिताजी को आजमगढ़ से हटाकर हम फिर मैनपुरी सुरक्षित सीट पर ले आए, मैं अब चुनाव वहां से लड़ूंगा, ये मेरे ख्याल से अभी इस राजनीति पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब वो वो टाइम अब जा रहा है। अब आप जनता को जवाबदेही देनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। आप लोगों को ये नहीं बताना पड़ेगा मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव हूँ, आपको ये बताना पड़ेगा मैं अखिलेश यादव हूँ, मैंने ये काम किया और मुझे इस नाते आप वोट दीजिए। क्या वो हो पाएगा इसको देखना दिलचस्प। लेकिन जिस तरह से मुसीबतें चारों तरफ से चौतरफा घिरे हुए हैं, अखिलेश यादव इतना आसान आजमगढ़ की सीट से उनका जितना लग नहीं रहा था, वो चुनाव लड़ते हैं। और जिस तरह से बीजेपी की अभी रणनीति का भी खुलासा नहीं हुआ है, पूर्वांचल में बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाएगी, क्योंकि आजमगढ़ और पूर्वांचल गोरखपुर बलिया ये जो क्षेत्र है ये बहुत दिलचस्प क्षेत्र है। और सर सबसे बड़ी बात है बीजेपी के लिए सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे सकारात्मक ये है कि ये कट्टा एक कहा से हिंदूवादी क्षेत्र कहे जाते हैं सारे क्षेत्र, ऐसा नहीं कि मुस्लिम बहुल भी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की पकड़ अन्य दलों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है 2014 और 2017। हाँ बिल्कुल, देखा भी गया है चीज को। बीजेपी ने अच्छी सीटें वहां जीत दर्ज की है, ऐसे में बीजेपी को बिल्कुल नकार देना मेरे ख्याल से किसी भी दल के लिए बहुत खराब चीज हो सकती है। ऐसे में बैठकर जरूर इनको तय करना पड़ेगा कि भाई अगर हम प्रत्याशी उतार रहे हैं तो किस लेवल को उतारना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का अभी भी दखल आप कम मत मानिए। मुझे तो ये लग रहा है सीधी सी फाइट अगर किसी से है तो बीजेपी है फाइट में। तो अब देखने वाली बात ये होगी अखिलेश यादव उनके समकालीन जितने भी लोग हैं सिर्फ वोट काटने की स्थिति में नजर आ रहे हैं, और उसका भी कांग्रेस की स्थिति भी कुछ ऐसी है, उसका भी सीधा सीधा घाटा अखिलेश यादव या इस तरह के दल को होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक फिक्स है, यहाँ पर आपस में आप लड़ जाते हो तो ये आपको ही घाटा करेगा। अगर क्योंकि बाकी दल चाहे राजा भैया हो और राजा भैया हो या फिर शिवपाल की पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर अनुप्रिया की पार्टी अपना दल है, सो बाकी सब पार्टी ऐसे ही है, लेकिन हाँ अपना दल से अगर गठबंधन होता है जो कि अभी अभी सीटों को लेकर कोई पशुपेश की स्थिति चल रही है, तो ऐसे में आजमगढ़ की सीट हो सकता है अपना दल
के पास ही जाएं और अनुप्रिया पटेल का करिश्मा वहां पे काम कर जाए। अभी तो ये आगाज है, आगे अगर देखिए होता है क्या, लेकिन मसला यही है कि अखिलेश के लिए राह गायत्री जी उतनी आसान जी वाकई आजमगढ़ की सीट जो है अखिलेश के लिए उतनी मुश्किल आसान नहीं है। और मुलायम सिंह फिलहाल यहाँ से सांसद है, लेकिन देखना होगा मुलायम सिंह के नाम या फिर काम कितना, नाम का या फिर काम का कितना असर अब अखिलेश पर पड़ता है और मायावती का साथ उनके लिए कितना इस बार असरदायक साबित हो पाता है, क्योंकि पूर्वांचल पर अभी बीजेपी की भी पैनी नजरें हैं और रणनीति ये कह रही है कि अमित शाह जरूर पूर्वांचल के लिए कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे वहां बाकी दल चारों खाने चित्त भी हो सकते हैं। ऐसे में बाकी दल तो छुटपुट दल है, जो नए नए दल बने हैं वो हो सकता है सिर्फ वोट काटने की स्थिति में नजर आए, लेकिन बीजेपी वर्सेज यहाँ पे सपा बसपा का उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला है। और ऐसे में देखना होगा अखिलेश यादव अगर यादव बेल्ट से हटकर एक इतर सीट यानी कि अलग सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुलायम सिंह की तरह वो भी इस सीट से सांसद बन सकते हैं। मुकाबला कांटे के टक्कर का है, उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम बहुत दिलचस्प है, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो दर्शकों आज था ये खास मुद्दा, कल होगी फिर से एक अहम मुद्दे के साथ मुलाकात। शुक्रिया अमन सर, नमस्कार दर्शकों।